केंद्रों में बच्चों के लिए खिलौना बैंक बनवाने के लिए जिले में अभियान चलाया गया, जिसके लिए कलेक्टर मनोज पुष्प ने विशेष अपील की। उन्होंने आम जनता से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वेच्छा से खिलौना प्रदान करने के लिए अपील की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 मई को प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौने, पुस्तकों और पठन पाठन की सामग्री का संग्रहण अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। आपके घर में यदि आपके छोटे बच्चों के खेलने योग्य खिलौने और पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध है तो उसे अपने निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों अथवा महिला एवं बाल विकास के परियोजना कार्यालयों को प्रदान करें। आइए सुनाते हैं, इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने अपील करते हुए लोगों से क्या कहा। आंगनवाड़ी से जन समुदाय को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी आंगनवाड़ी से जुड़े, जिससे कि आंगनवाड़ी की सेवाएं बेहतर हो। आंगनवाड़ी में जो बच्चे माताएं आ रहे हैं उनको बेहतर सेवाएं दी जाए, ये सुनिश्चित हो। और जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी दें, जिसके कारण कि आपका जुड़ाव आंगनवाड़ियों से बेहतर हो। इसी श्रृंखला में आज प्रदेश भर में आंगनवाड़ियों के लिए खिलौने संग्रहित करने का एक विशेष अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसकी शुरुआत करेंगे। रीवा ज़िले के सभी लोगों से हमारी ये अपील है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप अपनी जो आपके पास ऐसे खिलौने हों जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो अच्छी स्थिति में हो, तो उन्हें आप समीप के आंगनवाड़ी में या परियोजना अधिकारी जो हैं या जिला में कलेक्टर कार्यालय में जो कक्ष निश्चित किया गया है वहाँ पर दे करके और इसमें अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के इस अभियान को सफल बनाएं और अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को इस आंगनवाड़ी के अभियान से जोड़ें।